Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series. तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं Palworld. तो देखो guys, आप लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी Pokemon तो देखा ही होगा, वही अपने Pikachu, Charizard, Bulbasaur. तो हाँ guys, ये गेम बिल्कुल Pokemon जैसा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ये Pokemon एंड Minecraft दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इस गेम में हमें एक बहुत बड़े ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में उतार दिया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ हजारों टाइप के क्रिएचर्स है. कोई बहुत ज्यादा खतरनाक है तो कोई बहुत प्यारे भी है, कोई बहुत बड़ा और वीक है तो कोई बहुत छोटा और बहुत पावरफुल भी है. और तो और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आइलैंड्स पे हैं बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स, जिन मॉन्स्टर्स को हमें मार के गेम को खत्म करना है. बट इनको मारने के लिए हमें चाहिए होंगे पोकेमॉन्स, जिन्हें इस गेम में पैल बोला जाता है, और उन्हें अपना पेट बनाने के लिए हमें उनसे फाइट करनी होती है. उनके एनर्जी लो करके हमें उन्हें अपनी पोकेबॉल में पकड़ना होता है, जो कि काम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुश्किल है इस गेम में. बड़ा यार, जो भी है मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग खेलने वाले हैं Minecraft with Pokemons. तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं Palworld में. ऑलराइट गाइस, तो गेम स्टार्ट करने से पहले हमें अपना कैरेक्टर क्रिएट करना होगा. तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझे एक मेल कैरेक्टर चाहिए. तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये है, ये है, ये भी है, और भाई ये थोड़ा सा डेंजरस है. दादाजी विद 8-pack abs, देख रहे हो तुम बॉडी? ये चूज कर लूँ यार, लुक वुक भी बहुत खतरनाक सी है. बट नहीं यार, मुझे एक कूल डिसेंट बॉय चूज करना चाहिए, एकदम शरीफ सा. वैसे बॉडी शॉडी तो इसकी भी है, तो ये ठीक है. वैसे मैं इसकी बॉडी वॉडी चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके अगर डोले का साइज बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकते हैं. देख रहे हो ये भाई, 22 इंची का डोला लग रहा है मुझे तो. बट नहीं यार, ये बहुत गंदा दिख रहा है. पेट भी बढ़ा सकते हैं, थाई भी बढ़ा सकते हैं. अबे ये क्या भाई, अगर मैं ये दो कम कर दूं, ये बढ़ा दूं तो. नहीं 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 भाई, I'm sorry. Okay, तो बस मुझे स्किन टोन चेंज करनी है, कुछ ज्यादा ही गोरा चिट्टा हो रहा है, थोड़ा सा इसे नेचुरल टोन में लाते हैं. फेस मैं चूज करूंगा, अगर मैं इस पे लड़की वाला, छी भाई ये देख करो तुम. नहीं 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 नहीं, मुझे ये कैसा है, बियर्ड थोड़ी सी मैचिंग तो हो रही है इसके. भाई ये भी वैसे काफी कूल सा है, और ये एकदम गुस्से वाला. अबे नहीं यार, ये चाहिए मुझे, देख रहे हो भाई आईब्रो पे क्या कट लगा है, और दाढ़ी भी फुल बढ़िया. चलो ये तो एकदम परफेक्ट हो गया. आईज मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करनी चाहिए, अगर मैं इसे हटा ही दूं तो खतरनाक लग रहा है. आईज को मैं ऐसे उल्टा कर सकता हूँ. नहीं यार, आई थिंक आई अपनी बढ़िया है. आई कलर मैंने एकदम लाइट स्काई ब्लू कर दिया भाई. आईब्रो एंड हेयर कलर यार ब्लैक रखते हैं ऑब्वियसली. लास्ट में आता है हेयर्स में भी काफी सारे ऑप्शन हैं, बट मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा यार. ये वाला कर देगा यार, ये भी काफी सही दिख रहे हैं, तो फिर इसमें कलर मार देते हैं. चलो Is done. अपना कैरेक्टर फुल रेडी है. ओके, शायद से हम लोग सो के उठे और हमें कोई 2-3 पोकेमॉन्स देख रहे हैं. ओह, ये हमें देख के बेचारे डर के ही भाग गए. और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी एक आइलैंड में पहुंचे, जहाँ पे हमारी बोट बुरी तरह क्रैश हो गई और हम लोग जस्ट बेहोश होके उठे हैं. हमारे सामने एक टैप पड़ा हुआ था, उस पे लिखा है द टावर्स आर द की, उसी में कोई ट्रुथ छुपा हुआ है. ओके, कुछ तो हमें हिंट मिला है, कोई टावर है, वहां तक हमें पहुंचना होगा. ऑलराइट गाइस, तो गेम चालू हो चुका है, और आते ही हमें कुछ टास्क, कुछ मिशन मिल गए हैं, बट वो मैं बाद में करूंगा. फिलहाल पहले चलकर देखते हैं कि आखिरकार कितना ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है इस गेम का. भाई क्या ही प्यारी वाइब है भाई, चारों तरफ से चिड़िया की आवाज आ रही है, एकदम सुकून वाला माहौल है. बट एक सेकंड, वो सामने ये इतना बड़ा ट्री है क्या ये? भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्री है, तुम खुद देखो, वो एक माउंटेन है और उसके पीछे ये ट्री है. मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस गेम में बहुत ज्यादा अजीबो गरीब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है. बट फिलहाल हम लोग ढूंढते हैं कुछ पोकेमॉन्स को. ये जो ये जा रहा है ना, इसका क्या नाम है, चिकी भी. ये देखने में तो तुम्हें एक मुर्गी जैसा लग रहा है, बट ये मुर्गी वाला पोकेमॉन है, इसे मारूं क्या? हेलो, हाय चिकी भी, तू अटैक कर दिए क्या? हेलो, ओ तेरी अटैक करते हैं बहुत तेज. बस हो गया, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, गलती से मैंने मारा, अभी खत्म लड़ाई हम दोनों के बीच में ओवर हो चुकी है. अरे मेरे भाई, तू पिट इधर, कुछ ज्यादा बोलेगा, ज्यादा निकल, मार मार दिया. चिकन मिला क्या? अंडा भी मिला, और अपने को चिकी पी का वो मिला, लेग पीस. भाई ठीक है यार, इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ढीला वीला नहीं है, सब लोग मेरे ऊपर अटैक करने आएंगे. और ये कौन सा पोकेमॉन है? कैटीवा. वैसे गाइस देखो, यहाँ पर ये जितने भी पोकेमॉन है ना, मैं इन्हें अपना बना सकता हूँ. I mean, मुझे उसके लिए चाहिए होगा पोकेबॉल, ताकि मैं इन्हें कैप्चर कर पाऊँ. और पोकेबॉल बनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या चाहिए होगा, बेसिकली मुझे क्राफ्टिंग बेंच बनाना पड़ेगा, एकदम माइनक्राफ्ट की तरह, जैसे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं लकड़ी इकट्ठी करके, कुछ वैसा ही. बट फिलहाल के लिए मैं ना
थोड़ा इधर उधर घूमने वाला हूँ क्योंकि मुझे एरिया देखना है और पता करना है कि आखिर कौन कौन से पोकेमॉन्स यहाँ पर घूम रहे हैं। बाय द वे गाइस, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही सीन है कि रात होने से पहले मुझे कोई ना कोई तो अपने खाने पीने का जुगाड़ करना होगा, अपने लिए घर बनाना होगा और साथ के साथ मुझे अपने लिए कुछ पोकेमॉन्स भी पालने पड़ेंगे ताकि मुझे रात में खतरा ना हो। भाई हो सकता है भाई रात में भी यहाँ पर कुछ अजीब अजीब क्रिएचर्स आते हो जो कि मुझे मार डाले अंधेरे में, तो मुझे उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे गाइस, मैंने इस गेम का बेसिक सर्वाइवल गाइड पढ़ा हुआ है तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें मालूम है कि मुझे क्या कब कैसे करना है। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस गेम में वुड, मतलब इनिशियली सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज क्राफ्ट करने के लिए मुझे वुड चाहिए होगी। बाकी एक मिनट, इस सामने देखो शीप। भाई तुम्हारा क्या नाम है? एक मिनट रुको, इसका नाम है लैम्बॉल। ये ले लैम्बॉल, मुक्का खा। तू भी मारती है क्या? अटैक करेगी? ओ तेरी भाई, ये तो बैंटेन में कैनन बॉल की तरह गोल गोल घूमता। ओबे भाई लग रही है यार। बस बस बस, सॉरी भाई, मुझे डॉज करना होगा। ये जैसे भाग कर डॉज मार दूंगा। आजा 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 आजा, ये ले डॉज। अभी इनको बताता हूँ, ज्यादा 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 हीरो बनना है। ओबे भाई इसे चक्कर आ जाते यार एक टक्कर में। ये ले, ले। ले, एक घुसा का मारा तुमने, मेरे ऊपर चढ़ने ही लग गए। तेरा दोस्त कहाँ है? बस देखा उसकी कैसे बटाई हुई। अबे आ, उसके टक्कर दी थी मैंने। ले ले, इनको मारने से शायद से मुझे वूल तो मिलेगा, बट यार मैं ना गलत कर रहा हूँ। मुझे इन प्यारे प्यारे पोकेमॉन्स को मारना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इन्हें अपना पर्सनल पेट बना सकता हूँ यार। बट ठीक है, मैंने मार के थोड़ा वूल वूल इकट्ठा कर लिया है। फिलहाल के लिए मुझे ना कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है ताकि मैं एक फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना पाऊँ। उस क्राफ्टिंग टेबल से मैं पॉकीबॉल बना पाऊंगा और इन सभी पोकेमॉन को मैं अपना पेट बना पाऊंगा। फिर मैं जो बोलूंगा वो मेरे लिए करेंगे। मैं इनसे पोकेमॉन से फाइट करवा सकता हूँ, इनसे काम मजदूरी सब करवाऊंगा मैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग लकड़ियाँ तोड़ना चालू करते हैं। भाई देखो, अभी अपने पास कोई टूल नहीं है तो मुक्के से ही हमें काम चलाना पड़ेगा और हमारा स्टैमिना लेवल भी खत्म हो गया तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्राफ्टिंग करने। ये है वर्कबेंच जो कि मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। लेट्स गो। और इसे बनाने के लिए मुझे 3-4 हथौड़ी मारनी पड़ेगी। खट 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 खट, लेट्स गो। वर्क बेंच बन चुका है और इसके अंदर हम लोग देखो एक टॉर्च बना सकते हैं और एक वुडन क्लब मतलब बेसबॉल बैट बना सकते हैं। पिकैक्स बना सकता हूं जिसके लिए मुझे स्टोन चाहिए और मैं स्टोन एक्स भी बना सकता हूं जिससे मैं पेड़ वेड़ काट पाऊंगा। तो पत्थर तोड़ने का और पेड़ काटने के लिए मुझे पिकैक्स चाहिए, पेड़ काटने के लिए मुझे एक्स चाहिए। फिलहाल देखो यहाँ पे पत्थर तो पड़ा हुआ है, मैं मुक्के से तोड़ा फाड़ी करके पत्थर इकट्ठा कर सकता हूँ क्या? देखो देखो, थोड़ा बहुत तो हो रहा है भाई। अगर मैं ऐसे तोड़ने रहा ना तो रात हो जाएगी और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो बेटर यही है कि मैं स्टोन के टुकड़े ढूंढ ढांड के एक पिकेक्स बनाऊं। जरूरी नहीं है कि हमें पत्थर सिर्फ पत्थर तोड़ने से मिले, कुछ कुछ स्टोन के पीसेस देखो यहाँ पर गिरे भी हुए, तो ये उठा लेता हूँ। तो अभी अपना टास्क है कि मुझे एक पैल्सफेयर की टेक्नोलॉजी को अनलॉक करना है। तो ये अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो जो भी न्यू रेसिपीज है वो मुझे यहाँ पर दिखेगी। मेरे पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं और मैं पैल बॉक्स को अनलॉक कर सकता हूँ, पैल्सफेयर को अनलॉक कर सकता हूँ, कैंप फायर को अनलॉक कर सकता हूँ, चेस्ट को अनलॉक कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, एक बेड भी अनलॉक कर सकता हूँ, ये बहुत काम आएगा भाई। तो बेसिकली ये सारी मैंने रेसिपीज अनलॉक कर लिया है और अब मैं इन सब चीजों को क्राफ्ट कर सकता हूँ, बट उनको क्राफ्ट करने के लिए जो जो मटेरियल मुझे चाहिए ना वो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो पैल्सफेयर जिसके अंदर मुझे पोकेमॉन पकड़ना है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है वुड, स्टोन एंड एक पैलडियम फ्रेगमेंट जो कि मुझे पता नहीं कब में मिल गया। तो चलो इसे बना लेते हैं भाई, लेट्स गो। मैंने एक पोकेबॉल बना लिया है और अब बारी आ चुकी है पोकेमॉन पकड़ने की। कहां पर है? हेलो गाइस, एक मिनट रुक जाओ। पोकेमॉन पकड़ने के लिए ना मुझे एक डंडा बना लेना चाहिए क्योंकि कोई भी पोकेमॉन मैं तब पकड़ पाऊंगा जब उसकी हेल्थ कम होगी। तो डंडा बना लिया, जाके कोई बढ़िया सा पोकेमॉन ढूंढते हैं, उसे डंडे से मारते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सर्वाइवल गाइड में पढ़ा था कि किसी भी पोकेमॉन को हम लोग तब पकड़ सकते हैं जब उसकी हेल्थ कम होती है। तो भाई देखो, सामने मुझे कोई तो दिखा है, सामने पिंक वाले, इन्हें जाके पकड़ू क्या? ये ठीक ठाक दिख रहे हैं यार, मुझे ऐसे काम करने लायक है। ये है कैटिवा जो की लेवल 2 की है और ये भी कैटिवा है। डर के भाग गए यार मेरे से, बेचारे डरपोक हैं थोड़े। अरे रुक रुक रुक, इतना भी नहीं मारूंगा, आखिर तेरे को पेट बनाना है। इधर आ, इधर डंडा खा, डंडा खा, डरने की जरूरत नहीं है। इधर आ, हाँ डरने की जरूरत नहीं है। ओ ओए, अबे तू, मैं तेको मार नहीं रहा था कि तू ज्यादा डर ले। रुक जाओ, अभी से पकड़ते ये मारा बॉल और ये आ चुका है अपने गेस को। फर्स्ट पोकेमॉन हमने कैप्चर कर लिया है, अपने पास आ गया और मैं इसे थ्रो कर सकता हूँ। ये देखो, ये रहा गाइस। अरे भाग कर, अब तो तू मेरा पोकेमॉन है। एक मिनट, ओ मैं उस पे कमांड सेट है कि किसी पे जाके अटैक करे। रुक जा, नहीं नहीं फाइट नहीं करनी, मर जाएगा। वापस आ भाई, मैंने उसे मारा तो उसकी हेल्थ कम है। वैसे मैं इसको भी कैप्चर कर सकता हूँ बट मेरे पास कोई भी पोकेबॉल नहीं है तो उसे मारने का फायदा नहीं है। अरे ये तो मेरे पे गुस्सा हो रहा है, ओए पागल है क्या? नहीं लड़ना है मुझे तेरे से। आ इधर आ, तू नहीं मानेगा, तू मर, इसको मारता हूँ मैं। भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है। गाइस हमने फर्स्ट पोकेमॉन एक ही बार में जाके कैप्चर कर लिया। आ
मैं तो डर गया भाई, खाई में कहाँ गया मैं। वैसे इस गेम की कूल चीज ये है कि अपना जो प्लेयर है ना वो ऐसे दीवारों पे भी चढ़ जाता है, तो मैं ऐसे कहीं गिर विर जाता हूँ तो टेंशन वाली बात नहीं, मैं चढ़ कर आ जाऊंगा। लेट्स गो। तो थोड़े बहुत पत्थर वत्थर इकट्ठे कर लिए मैंने। अभी ना मुझे फटाफट से एक स्टोन पिकेक्स बनानी है, क्योंकि मुझे पैलियम फ्रेगमेंट और चाहिए होंगे ताकि मैं और पैल्स फेयर बना पाऊँ और पोकेमोन इकट्ठे कर पाऊँ। पिकेक्स बनाने के लिए मुझे वुड चाहिए। यार वुड नहीं है यार मेरे पास, क्या बात हो गई यार, लकड़ी तोड़ो भाई। आज मैं पहला बंदा हूँ जो बेसबॉल बैट से लकड़ी तोड़ रहा है भाई। चलो, तो बहुत ही सारी मैंने वुड तोड़ डाली है, जितना स्टैमिना था सारा लगा दिया भाई पेड़ तोड़ने पे। और अब बन गई अपनी एक पिकैक्स जो कि मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। देखो इनिशियली तुम्हारा भाई बहुत सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है इस गेम में, और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ मैं जल्द ही कुछ तगड़े तगड़े पोकेमोन पकड़ने की तलाश में निकल जाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई, तोड़ा फाड़ी करके काफी सारा यहाँ पर मैंने दोबारा से वुड इकट्ठा कर लिया, और अब मैं जाके बना लेता हूँ कुछ पैल्स फेयर। तो ये भी क्राफ्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। एक और पैल्स फेयर क्राफ्ट कर लिया मैंने। वैसे गाइस ये जो आप ये बुशेस देख पा रहे हो ये हैं रेड बेरीज के, जैसे माइनक्राफ्ट में होता है ना रेड बेरीज खाते हैं हेल्थ बढ़ती है, सेम टू सेम इसमें भी वही सीन है। और यही खाना शायद से मैं अपने पोकेमोन को भी खिला सकता हूँ ना। ये देखो इसने खा लिया, 1 2 3। तो जब जब मेरी ऐसे ये फूड फुल रहेगा तो हेल्थ भी बढ़ती रहेगी। चलो एक बार ना फटाफट से ऊपर चलते हैं, वहां पर जो एक बर्ड वाला साइन है ना वो हमारे एक टाइप से आप लोग कह सकते हो फास्ट ट्रेवल के लिए है और टेलीपोर्ट करने के लिए। मतलब ये जो ईगल साइन है अगर मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो अगर जहां पर मुझे कोई एक और ऐसा दिखेगा तो मैं वहां पर डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकता हूं, तो मुझे ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। बाकी ठीक है, अभी बेसिक ग्राइंड हमने कर लिया है, अब मुझे निकलना चाहिए अपने इस छोटू बेस से थोड़ा सा दूर कुछ नए पोकेमोन ढूंढने के लिए। और मैं बता रहा हूं अभी जो हमने पार्ट देखा है ना ये तो बस शुरुआत है भाई, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतने खतरनाक मुझे पोकेमोन दिखते जाएंगे। बाकी जो मैं नीला पत्थर तोड़ रहा हूं, इस नीले पत्थर से मुझे मिलेगा अपना ये जिससे पैल्स फेयर वाली बॉल बनती है ना पोकेबॉल्स, वो मिलेगा। चलो ठीक है यार, अभी मेरे पास एक बॉल है, कोई नया पोकेमोन ढूंढ के लाते हैं। मैं यहाँ से जंप मार दूंगा पानी में, पानी 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 नहीं आ पत्थर पे जंप हो गई। यार देखो बिना मैं भागते भागते काफी ज्यादा आगे तो आ चुका हूँ, बट मुझे यहाँ पर अभी तक कोई भी नया पोकेमोन नहीं दिखा है। वही चिकन, वही शीप, वही ये कैटावी। वैसे गेम वालों ने ना हमें थोड़ा सा सेफ एरिया पे स्पॉन करा ताकि गेम चालू होते ही हमारी कुछ खतरनाक एनिमल से फाइट ना हो जाए। एनिमल्स नहीं, पोकेमोन्स या फिर आप पैल्स कह लो, मुझे तो पोकेमोन कहने में मजा आ रहा है भाई। वैसे गाइस एक सेकेंड, शायद से अभी मैं थोड़ा सा सही रास्ते पे आ चुका हूँ, क्योंकि सामने देखो भाई ग्यूमस करके, ग्यूमोस पता नहीं यार कैसे कैसे तो नाम है यहाँ पे, बट हाँ जो भी है ग्यूमोस करके मुझे दो नए पोकेमोन दिख चुके हैं। पूरे देखो कैसे चल रहा है भाई, इसको मारू क्या? देखो ये अपने बाकी दोस्तों से अकेला है, तो अगर मैं इसको भाई ये सब तो बच्चे बच्चे से, सामने देखो मेमोरिस्ट है, ये देखने में एलिफेंट जैसा बट इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है, और ये लेवल 38 का। इससे गलती से लड़ाई हो गई ना ये पैर वैर रख देगा मैं मर जाऊंगा। हेलो, तू नॉर्मली तो नहीं मारता ना? हेलो, नॉर्मली काफी शांत है। बाकी मुझे यहाँ पर ना कोई तो एक चारिजॉर्ड जैसा भागता हुआ दिखा था, वो रहा। इसको मारू क्या? हेलो चारिजॉर्ड, अबे चारिजॉर्ड नहीं ये फॉक्स है, इसका नाम है फॉक्स पार्क्स। तो अगर मैं अपने पोकेमोन को यहाँ पे भेजूं तो वो उससे फाइट करेगा? उसको मार, रुक जाओ मैं कमांड दूं क्या? मार 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 मार। ओ भाई मुक्के बचा दिए, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। ओए वो तो बहुत खतरनाक है, वो आग फेंक रहा है ये फायर। अबे मुझे क्या मार रहा है? उससे लड़ाई करना है, मुझे मार रहा है भाई। ओ भाई ये पिट जाएगा मेरा कैटावी। कैटावी भी नाम नहीं है, ऐसा क्या है? कैटिवा भाई। इन दोनों की लड़ाई तो बहुत ज्यादा सही चल रही है, और वो डेंजर में आ चुका है, वो मर सकता है, उसके अंदर आग लग गई है। क्या मुझे उसे वापस बुला? अब वापस आ, तू वापस आ, तेरे को तो मैं मेरे पोकेमोन को मारेगा। मेरे जरा आ, मुझे भी मार रहा है, अबे जल जाऊंगा मैं तेरी ऐसे की तैसी। ले ले इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, मार फायर। ओह बच गया, इधर आ, ये ले गाइस, काश ही आ जाए। कैप्चर रेट 73%, और ये कैप्चर होता हुआ लेट्स गो, हम लोग हो रहे एक और पोकेमोन कैप्चर कर लिया है भाई। अभी मजा आना चालू हो गया यहाँ पर, मुझे बहुत सारी चीजें अभी इकट्ठी करते जाने, क्योंकि मुझे बहुत सारे पोकेमोन इकट्ठे करने। ये कौन सा है भाई? ये थोड़ा सा पेंगुइन टाइप है, और ये जो छोटे वाले पोकेमोन है ना नॉर्मली मुझे देख के भागते हैं, बट इनसे फाइट करता हूँ ना तो भाई मारने तो लगते हैं। बाकी यहाँ पर तो और मुझे कोई नया, ओ वेट इधर एक चेस्ट है। ओ अलग अलग चीजें मिली मुझे, और एक मुझे पोकेबॉल मिल गई। तो वो जो नीला वाला पोकेमोन भागा था, क्यों ना मैं उसे पकड़ लूं? मुझे नए 3 पोकेबॉल मिल चुके हैं उसमें से भाई। वैसे भी उसको जो पेंगुलेट, हाँ वो पेंगुइन जैसा ही, उसका नाम पेंगुलेट है। पेंगुलेट रुक जा, नहीं कह रहा कुछ, भागे जा रहा है मुझे देख के। ओ तू वापस आ, तेरी हेल्थ बहुत कम है। अबे पेंगुलेट रुक जा भाई मेरे फट्टू, इधर आ। इसको बताता हूँ अभी, इसकी फाइट मैं कराता हूँ फॉक्स से। मार फॉक्स इसको, वैसे इसकी हेल्थ बहुत कम है फॉक्स की, बट ठीक है मेरी हेल्प करेगी। अबे मार मार, अबे खाई में ना चले जाइए। बढ़िया, बहुत ही सही अटैक कर। ओए ओ भाई ये अटैक किसने करा? छोटू ने। तू बेटा बर्फ बर्फ फेंकता है,
बर्फ फेंकेगा बेचारे को, हम लोग मिलके मार रहे हैं यार। मैंने अपना पोकेमोन भी छोड़ा हुआ और डंडे भी मार रहा हूँ। चल वापस आ जा तू, अब मैं इसको अकेले पकड़ता हूँ। इधर आजा, कैप्चर कैप्चर कैप्चर, 49% प्लीज कैप्चर हो जा, प्लीज कैप्चर हो जा, 74 75, लेट्स गो, एक और पोकेमोन। भाई तुम्हारा भाई आज ही सारे टास्क कंप्लीट कर देगा। हमारा टास्क है कि हमें पैल बॉक्स बनाना है, और जहाँ पर हम ये बनाएंगे वही अपना बेस बन जाएगा। और पैल बॉक्स वो बॉक्स है जहाँ पर हम लोग अपने पैल्स यानी पोकेमोन्स को रखेंगे। बाकी एक नया घोंचू सा कोई तो पोकेमोन है, इसको तो मेरे को लगता भी नहीं किसी को भेजने की जरूरत है, पर फिर भी मैं अपनी फॉक्स भेज देता हूँ। मार इसको भाई, फॉक्स जब से मिली है ना जिंदगी आसान होगी। देखो क्या मस्त फायर फेंकती है। ओए वापस आ, वापस आ, तेरी ऐसे कितने हमला करता है। जा जा कैटिवा, मार इसको थप्पड़ी थप्पड़। अबे पानी पानी में जाके लड़ाई नहीं करनी, गलत बात है। अबे भाई ये क्या कर रहा है तू, इधर आ, देखो समझ नहीं आ रहा। पानी में लड़े, पानी में लड़े, पानी में। अरे मारना नहीं, मैंने उसकी हेल्थ लो करी थी। मेरा पिंक वाला पोकेमोन कैटिवा कूदी और से मार दिया बेचारे को। पागल है तू, इधर वापस आ जा। वैसे गाइस हाँ यार, देखते ही देखते रात होने वाली है, शायद से मुझे अपने बेस पे वापस चल के बेड बनाना चाहिए, और आज के लिए मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो गया ना तो भाई फिर कुछ पता भी नहीं चलेगा कौन से मॉन्स्टर आ जाएंगे और मेरी कुटाई चालू हो जाएगी। वैसे एक सेकंड, मुझे ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी सेफ्टी के लिए पोकेमोन है। बट ये कौन सा पोकेमोन है भाई, काफी क्यूट है भाई। हेलो भाई, इसका लेवल 15 का डायनोसम, मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला भाई। ये देखने में बहुत शरीफ है, बट मुझे लगता है ये तुड़ाई कर देगा। क्या एक बार भेज के देखूं मैं। मार इसको, दे मुक्का मुक्का, गुस्सा आ गया उसे। ओबे तेरी, मर गया वो, वापस आ मेरे पो, आ भागो, सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, अरे मेरे भाई मैं कभी नहीं आ रहा। चढ़ 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 चढ़, भाग 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 भाग। ओपे भाई उसे गुस्सा चढ़ गया। अबे नहीं यार, सॉरी ना, अबे यार भाग भाग, चिची की पिटा, क्या नाम था इसका, आ भाग भाग भाग। भाई मेरी पिटाई होने वाली बहुत गलत, वो मेरे पीछे आ रहा है बहुत तेज। भाग 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 भाग, कूद कूद के भाग, कूद कूद के भाग। एक सेकंड, बच गया मैं शायद से। वो आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ आ रहा है यार। मत आ यार, यार एक बार छोड़ दे भाई, गलती से मैंने फेंका था। गाइस मुझे यहाँ से ना दूर चले जाना चाहिए कहीं। अपना खाने पीने का सामान है भाई, अपने पोकेमोन को खिला के रखता हूँ, बाय चांस लड़ाई हुई ना इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। हल्के में ले रहा है क्या ये, हटना जरा। पहले खुद को खिलाया खाना, इन तीनों को भी खिलाया। बट यार मेरा एक पोकेमोन मारा जा चुका है, कैटिवा को मैंने उससे लड़ने भेजा था, उसने भाई एक पूछ मारी, इतनी सारी चिंगारी निकली उसमें से, वो मरी गई भाई। इसको तो मैं एक दिन बताऊंगा भाई, लेवल 15 है तो क्या हुआ भाई, हल्के में ले लिया क्या। कल देखना इसको मार कूट के ना, इसको मैं अपना पोकेमोन ही बना लूंगा। क्या ठीक है, आज ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे अपनी जान बची है। बट हाँ फिलहाल अभी मुझे अपना एक बेस बनाना है सबसे पहले, और जैसे कि मैंने बताया था कि जहां पर मैं अपना पैल बॉक्स रखूंगा वही मेरा बेस बनेगा। तो एरिया तो पीछे वाला भी अच्छा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये सामने वाले एरिया पे बेस बना लिया जाए फिलहाल के लिए। मुझे सच में ये वाली लोकेशन बहुत ज्यादा सही लग रही है, तो मैं अपना बेस यहीं पे बनाने वाला हूं। ये जो मिट्टी वाला एरिया है यहां पे, तो पैल बॉक्स बनाना होगा ना, तो टेक्नोलॉजी में चल के पैल बॉक्स मैंने अनलॉक कर लिया था। तो बिल्ड करते हैं एक पैल बॉक्स, ये रहा। इसको बिल्ड करने के लिए जो जो सामान चाहिए मेरे पास सारा का सारा है, तो ये मैंने बना दिया। एंड अभी मुझे हथौड़ी मार मार के क्राफ्ट करना होगा यार, यार रात हो गई है भाई, मुझे बेड लगा के सुबह करनी है सो के। लेट्स गो, पैल बॉक्स क्रिएट हो चुका है, और पैल बॉक्स मैनेजमेंट मेन्यू देखो गाइस, मैं इसके अंदर अपने पोकेमोन तो रख सकता हूँ, अभी मेरे पास 2-3 ही है, तो मैं अपने पास भी रख पा रहा हूँ। बट जब 50-60 हो जाएंगे तब मैं इस डब्बे के अंदर रख पाऊंगा। कैटावी को, ओ एक सेकंड, कैटिवा को इसके अंदर रखते ही कैटिवा हील होने लग गई, मतलब वो मरी है बट वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी अगले 10 मिनट बाद अगर मैं उसे पैल बॉक्स में रखता हूँ तो। पैल्स एट द बेस, ओ मैं अपने बेस की सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे पैल्स रख सकता हूँ। ओ भाई लेट्स गो, मार इसको। अच्छा ये नॉर्मल सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के लिए, डिप्लॉय अ वर्क पैल टू द बेस। ओ मुझे कोई वर्क पैल डालना पड़ेगा, कोई ऐसा पैल जो काम करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डालू, कुछ काम करता है नहीं, पेंगुइन अबे ठंडा कर रहा है उल्टा। ओए एक सेकंड रुक जा, मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस, रात इतनी ज्यादा हो गया, अंधेरा हो गया है। एक तो ये सारे ये तो सोने लग गया, तेरे को सोने के लिए ड्यूटी में डाला है। गाइस रुको रुको रुको, मुझे ना टॉर्च बनानी होगी, और टॉर्च बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ये क्राफ्टिंग बेंच को लगाते हैं यहाँ पे, ये लगा दिया इधर, इससे मेरे को एक टॉर्च मिल जाएगी और शायद मुझे उससे गर्मी मिले। लेट्स गो, तो ये मैंने क्राफ्ट कर लिया है, और अभी मैं एक टॉर्च यहाँ पे बना सकता हूँ। डन भाई, भाई यार ये चीज़ तो मुझे सबसे पहले बनानी चाहिए थी, बट ठीक है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेट बनी बट एटलीस्ट बन तो गई। तो अभी मेरे टास्क हैं कि मुझे 5 लैम्प बॉल्स पकड़ने हैं, जो कि शायद से इनको ही बोलते हैं। तू लैम्प बॉल्स है ना, इधर आ, हाँ ये लैम्प बॉल है इधर, तेरी ऐसे की तैसे, इसको अभी पकड़ लेता हूँ। मुझे ऐसे 5 पकड़ने हैं,
पोकेमोन कैप्चर करा जाए। आ गया, ये तो 100% कैप्चरिंग रेट था इसका। चलो तो अभी मेरे पास ये भी आ चुका है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। इसको अपने पास ही रखता हूँ, कभी भी फाइट होगी तो उससे मैं फेंक दूंगा। बाकी हाँ, तो मुझे ऐसे 5 पकड़ने, एक मैंने पकड़ लिया है। नेक्स्ट टास्क है मेरा कि इंक्रीज योर प्लेयर लेवल बाय कैप्चरिंग 30 पेल्स। अगर मैं 30 पोकेमोन्स पकड़ता हूँ तो मेरा लेवल बढ़ेगा। और एक टास्क मेरा ये है कि मुझे एक चेस्ट बनानी है ताकि ये जो पेल्स मेरे लिए काम ये मेरे लिए काम करेगा, लकड़ी इकट्ठी करने का या फिर पत्थर इकट्ठे करने का। तो मुझे उसके लिए चेस्ट बनानी है ताकि वो सामान ला के रखे तो कहीं। तो चेस्ट बनाने के लिए मुझे जाना है स्टोरेज में, और मेरे पास इनसफिशियंट मटेरियल है क्योंकि मेरे पास वुड नहीं है। तो सबसे पहले वुड इकट्ठी करनी होगी। वुड 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 वुड, पेड़ काट दे क्या? लाओ भाई लकड़ी काटना चालू करे। भाई इस तरीके से तो ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ी बहुत लकड़ी कटी है, इस लकड़ी से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो बना लेता हूँ। यार एक्स बनाने के लिए भी दो लकड़ी चाहिए। यहाँ पे पड़ी हुई है एक लकड़ी, ये उठा लेते हैं। भाई एक बार इस तरफ देखो यार, सारे के सारे पोकेमोन सो रहे हैं भाई। रात होते ही ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, सब एकदम मस्त नींद मार रहे हैं खर्राटे वाली। एक बार ध्यान से सुनो कैसे खर्राटे आ रहे हैं। वैसे क्यूट तो है यार ये, यार ये छोटे वाले पोकेमोन सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। गाइस एक सेकंड यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तूफान आ रहा है पानी। अच्छा ये पानी की आवाज थी, वहाँ वाटरफॉल था ना, मेरे को लगा कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। और रात में ये गेम थोड़ी सी तो डरावनी हो चुकी है। तो ठीक है कि एक स्टोन एक्स बना लेते हैं सबसे पहले। डन भाई, एक स्टोन एक्स बन गया है। इस स्टोन एक्स से ना थोड़ी बहुत लकड़ी तोड़ लेता हूँ मैं। चलो पूरा का पूरा पेड़ निकाल दिया हमने जड़ से। अब मैं एक चेस्ट तो बना पाऊंगा, और इस चेस्ट को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है डन गाइस, चेस्ट हमने बना के एकदम मस्त कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शायद से ये जो पैल्स हैं ये उठ के काम करेंगे और इसमें सामान ला के रखेंगे। बाकी एक और चीज भाई, मून देखो यार किस तरीके से नीचे जा रहा है। मिशन कंप्लीट, पैल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल। ओके मैं पैल बॉक्स को अपग्रेड भी कर सकता हूँ क्या? ये अगर मैं इसे अपग्रेड मारूँ तो बेस अपग्रेड मैक्स पैल्स। ओ तो पैल की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले मैं एक बंदे से काम करवा सकता था, अब मैं दो से काम करवा पाऊंगा। बट ये लोग को रात में सोने की आदत है, तो ले भाई ये भी पलटी खा के सो गया। कोई बात नहीं, अभी सो लो तुम, सुबह उठ के काम करना। बट ओके एक और टास्क है, बिल्ड शॉडी बेड। भाई मुझे रुक जा, पैल्स विदाउट बेड्स विल गेट स्ट्रेस्ड। मतलब अगर इनके लिए बेड नहीं होगा तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो मुझे एक शॉडी बेड बनाना पड़ेगा। मैंने यार टेक्नोलॉजी में शॉडी बेड का, हाँ ये देखो शॉडी बेड के लिए मुझे वुड चाहिए, फाइबर चाहिए, सब है, बस वुड कम है। अरे सुबह हो गई, उठ गए। ओ भाई ये देखो काम करना चालू कर दिया इन लोगों ने, ये पत्थर लेकर आ रहा है। वाओ बिना अलार्म के वैसे ही बहुत जल्दी उठ गए, ये पत्थर ला रहा है। और ये कौन चाह रहा है भाई? हेलो वॉन्डरिंग मर्चेंट। भाई ये गेम बिल्कुल माइनक्राफ्ट है। माइनक्राफ्ट में वॉन्डरिंग ट्रेडर आता है ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे मर्चेंट आया है। देखो मैं इससे चीजें खरीद सकता हूँ, इसको बेच सकता हूँ। फिलहाल बेचने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, तो तू बाद में आइयो ठीक है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, आ जाइयो पर बाद में। भाई ये एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो एकदम मस्ती मस्ती में लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके ला रहे हैं। यार तुमने कितना सामान रख दिया इसमें? भाई 6 लकड़ी ला के रख दी है। चलो सही है, अभी मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, ये लोग अपना काम वाम करते रहें, मेरे को बढ़िया भाई बैठे बैठे चीज़ें मिलते रहेंगी। तो यार मुझे ना बस इनके लिए बेड बना देना चाहिए एक। तो बेड बनाने के लिए मुझे जाना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट एक मिनट, इनसफिशिएंट मटेरियल। यार सचमुच में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं ये देखो। बाकी इससे मुझे काफ़ी सारा वुड मिल गया है, और अब मैं इनके लिए एक बेड बना सकता हूँ। तो ये है बेड, और बेड बनाने के लिए मुझे ओके, बिल्ड इट इंडोर्स ऑन अ फाउंडेशन विद अ रूफ। ओह तो मैं इस बेड को ओपन में नहीं बना सकता हूँ, मुझे पहले एक घर बनाना पड़ेगा, मैं इस बेड को इंडोर ही बना पाऊंगा। अरे यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। भाई देखो अभी ऐसा सीन है, तो मैं तुम्हारे लिए बेड बाद में बनाऊँ क्या? या फिर यार मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, तो थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करके एक छोटा सा कमरा बना देते हैं। यार वैसे मेरा असली मन तो कर रहा है कि मैं फटाक से ना पोकेमोन पकड़ने निकलूं। छोड़ो गाइस सॉरी, मुझे तुमसे नहीं चाहिए काम, तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, थक जाते हो मेरी दिक्कत नहीं है। मैं जा रहा हूँ बहुत सारी पोकेबॉल बनाने, एकदम मैक्स जितनी दो ही बन सकती है। चलो तो दो पोकेबॉल बनाते हैं और निकलते हैं कुछ नए नए पोकेमोन पकड़ने के लिए। अभी मेरे पास टोटल 3 पोकेबॉल है, और मैं निकल चुका हूँ, मेरे पास सारे है ना पोकेमोन। एक मिनट रुको यार, मैंने शायद से पाल बॉक्स में छोड़े हुए हैं, तो 46 सेकंड में ये जिंदा हो जाएगी। उसके बाद अपने साथ हम लोग इसको भी लेके चलेंगे और कुछ नए पोकेमोन पकड़ कर लाते हैं यार आज। वैसे गाइस अपना एक टास्क और है कि मैं अपने स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये देखो तो मेरे पास 3 स्टार्ट पॉइंट्स है, और मैं इन्हें स्पेंड कर सकता हूँ अपने हेल्थ, स्टैमिना, अटैक, डिफेंस, वॉक स्पीड एंड वेट पे। तो वेट तो नहीं, बट मैं फिलहाल के लिए अभी इंप्रूव करूंगा अपना हेल्थ, स्टैमिना और अटैक, ये तीनों ज्यादा जरूरी है। बाकी इतनी देर में मेरा एक और पोकेमोन जो है हील हो चुका है, मेरे पास अभी 2 पोकेमोन है। चलो गाइस इन दोनों को लेकर निकलते हैं कुछ नए पोकेमोन पकड़ने के लिए, और कुछ खतरनाक पोकेमोन पकड़ने के लिए जो कि बहुत ज्यादा डेंजर हो भाई। मुझे ना यहाँ से काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, मतलब हद से ज्यादा दूर। और साथ के साथ यार मुझे खाना भी खाता रहना चाहिए यार। ये देखो मेरा पेट भरे रहेगा तो सही है, मैं अपने पोकेमोन्स को भी खिला सकता हूँ, बट उनका पेट भरा हुआ। और एक मिनट, ये इन्हें पकड़े क्या? मेलपैका को पकड़ते हैं। ओ भाई मेलपैका रुक जा,
वैसे दो दो थी, एक अलग जा चुकी है, एक उसको पकड़ते हैं, वो ऊपर गई ना, डर के भाग रहे हैं भाई मुझसे, ये पता नहीं क्यों। ये थोड़े थोड़े मैंने बोला था ना इस गेम में कुछ क्यूट पोकेमोन्स भी हैं, तो ये वही उनमें से एक है। जा मार इसे, अरे ऊपर, अबे इधर कहाँ जा रही है, चल चल ऊपर ऊपर गई है, ऊपर लेफ्ट, बढ़िया। ये हुई ना बात, मैं एक बार में ना दो पोकेमोन नहीं भेज सकता, नहीं बढ़िया, मार 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 भाई, ये पावरफुल है यार, तेरी ऐसे की तैसे मार मार मार। अबे इसकी तो हेल्थ ही नहीं जा रही है, मेरा पोकेमोन डेंजर में है फॉक्स, मार वापिस आ वापिस आ वापिस आ, मर जाएगी वापिस आ, मेरे को कोई तीसरा पोकेमोन भेजना होगा, जा कैटीवा मार इसको, आओ। अबे उसका दोस्त भी आ गया, दोनों आ चुके हैं, भाग कैटीवा भाग। अबे भाई भाई एक सेकंड भाई, वो खतरनाक है यार। वैसे सही है, शायद से वो लोग मेरे पीछे नहीं आ पाएंगे, आ तो रहे हैं, आ तो रहे हैं यार। मुझे ना अभी कुछ तगड़े पोकेमोन से पंगा नहीं लेना चाहिए, लास्ट टाइम में मैंने गलती करी थी, मैं मरते मरते बचा था, मुझे स्टार्टिंग कुछ ऐसे बेसिक पोकेमोन से करनी होगी। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो भी पोकेमोन है वो बहुत वीक है, वो भी पावरफुल है, बट अभी उनका ना लेवल बहुत कम है, मतलब है 11, अभी लेवल 4 के हैं, मेरा भी लेवल 4 ही है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा मेरे पोकेमोन्स का भी लेवल बढ़ता जाएगा और वो और पावरफुल होते जाएंगे। फिलहाल ये तो कोई न्यू पोकेमोन है, ये भी डर के भाग रहा है। अबे ये लोग आ गए यहाँ पर भी, भागो। ये क्या है, फास्ट ट्रेवल लॉक्ड, इसके थ्रू मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ शायद से। देख सॉरी यार मेलपैका, देख सच्ची में सॉरी बोल रहा हूँ, सच्ची में यार ये नहीं छोड़ेगी मुझे। इसको मार दूँ क्या, मैं मार भी तो नहीं सकता, मुझे एक चेस्ट में से कुछ तो मिला है, उनको देखने तक का टाइम नहीं है क्या मिला, क्योंकि मेरी हालत खराब है। मेलपैका सॉरी यार, इतना क्या बुरा मान गई भाई, एक दो घूसे ही तो मारे थे मैंने पीछे से, मैं पानी में कूद जाऊंगा, मत कर ऐसा। चलो शायद से नहीं आ रही, वैसे आइडिया अच्छा था यार पानी में कूदने का, वो दूसरी साइड चले क्या। एक मिनट रुक यार, पानी में जो कूदने है, सामने से एक रास्ता भी तो जा रहा है। वैसे हाँ गाइस देखो, जैसे जैसे मैं एरिया एक्सप्लोर करते जाऊंगा ना, मेरे लिए मैप खुलता जाएगा, और ये मैप बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी सोचो इतना सा एरिया घुमाऊं मैं, और उसी में मुझे 10-15 टाइप के अलग अलग क्रिएचर्स दिख गए, और ऐसे ही मैं जितना ज्यादा घूमूंगा उतने टाइप के क्रिएचर्स इस गेम में है। बाकी ये कौन है भाई यहाँ पे, क्या हाथ से कह रहा है क्या, स्किल्ड आइलैंडर, यू आर न्यू फेस, डोंट टेल मी एन आउटसाइडर, दैट इट मैटर्स टू मी, व्हाई नॉट ट्राई टू कैच सम पल्स, यू कैन गेट एक्स्ट्रा एक्सपी बाई कैप्चरिंग अप टू 10 ऑफ सेम। ठीक है ठीक है, चल चल ज्ञान मत दे। ये कह रहा है कि तो अगर तुम एक ही टाइप के 10 पैल्स यानी 10 पोकेमोन इकट्ठे करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सपी मिलेगी, बट मुझे नहीं चाहिए। अभी ये क्या सांप जा रहा है क्या, ठीक है नहीं नहीं स्नेक स्नेक नहीं है भाई इस गेम में। बाकी एक ये है पेंगुलेट, बर्फीला पोकेमोन है क्या ये, डंडा ले तो डंडा ले डंडा ले, सॉरी 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 देख सॉरी, पेंगुलेट पेंगुलेट मेरे भाई है तू, मारो इसको मार इसको। अबे जमा दिया भाई इसने, डेंजर पोकेमोन है भाई, तो मारो इसे, मार फॉक्स, बढ़िया। अबे पिटाई होगी फॉक्स की, रुक जाओ, जा भाई कैटीवा मार दे इसको, थप्पड़ मार इसके मुंह पे। अबे क्या दोस्ती करने नहीं भेजा है, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, बहुत सही, वापस आ, इसे कैप्चर करते हूँ मैं। हाँ आजा आजा, 54% कैप्चर रेट, आजा 77 78, लेट्स गो, हमने पकड़ लिया। अब इसको बताता हूँ, ज्यादा चौड़ा हो रहा था ना, अब मार इसे, मार ना, 1v1 हो गई। मुझे क्यों जमा रहा है ये आदमी, इसकी ऐसी की तैसी, नीलू इसको मार दे, जिंदा मार इसे, ज्यादा चौड़ा हो रहा है, भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, वापस आ तू। मैं अगर इन्हें अपनी पॉकीबॉल में रखता हूँ ना तो ये लोग हील होते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें वहाँ पे रखना जरूरी है। बाकी इन्हें मैं कुछ खिला पिला देता हूँ भाई, किस किस को भूख लगे, इसको भूख लगी है, ये ले मुझे भी लगे, मैं भी खा लेता हूँ। चलो गाइस सामने क्या है ये, एक मिनट मुझे ये चाहिए, नाइट विंग, मुझे मुझे अच्छे से पता है मैं इसे नहीं मार पा सकता, बट क्यों ना गाइस इस पे ट्राई कर दिया जाए। भाई नहीं यार, मुझे मुझे डर लग रहा है, अरे नाइट विंग मार देगा यार मुझे, लेकिन ये चाहिए यार। अभी तो फिलहाल वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर कुछ तगड़े पोकेमोन नहीं है क्या यार जो कि नाइट विंग को मार पाए, यार वो देख के ही ऐसा लग रहा है बहुत गंदी तरह मारेगा। इसने खुला एरिया रखा हुआ यार अपने घूमने के लिए, यार मुझे नाइट विंग चाहिए यार, बट उससे मरना भी नहीं है। वो ये क्या है, कैप्रिटी, कैप्रिटी काफी क्यूट है भाई, बल्बासोर टाइप है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं फाइट अभी किससे लूं, कैप्रिटी से लूं या फिर नाइट विंग से लूं। यार देखो अगर नाइट विंग मैंने पकड़ लिया ना, मेरा दिल ऐसा खुश हो जाएगा ना कि मतलब हद पार है, पूछो मत। पर इस टाइम पे मेरा कोई भी पोकेमोन मेरे को लगता नहीं है नाइट विंग को मार सकता है। भाई नाइट विंग शायद से एक में ही सबको उड़ा डालेगा, मतलब एक में ही। इसको पकड़ लूं क्या यार, लिफमंक, ये क्या करती है भाई, ओए लिफमंक इधर आ, ये ले मार इसको, जब तक इससे लड़ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे एक देखो पोकेबॉल पड़ी हुई, उठा लेता हूँ। अरे तू क्या कर रही है लिफमंक, भागे जा रही है, इधर आ तू, ओए लिफमंक बंक क्यों मार रही है, इधर मार इसको। मैंने से थोड़ा पास भेजा है यार, वो अटैक ही नहीं कर रही, डरपोक है, तू वापस आ जा, वो डर। उई ये क्या है, एग है तू भाई, कोई तो एग मिला मुझे। यार देखो अभी भी मौका है मेरे पास उससे लड़ने का, कहाँ चला गया,
चला गया वो। ओ नहीं नहीं नहीं, क्या वो देखो सामने घूम रहा है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी अपने पास मौका है इससे फाइट करने का, बट मुझे लगता नहीं है हमें करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो खतरनाक है तो है, देख के पता चल रहा है भाई वो बहुत गंदी तरह मारेगा हमें। बट यार कोई तो स्ट्रैटेजी, कोई तो तरीका होगा कि जिससे मैं इसको मार पाऊं। ओ वेट, यहाँ पर एक नहीं दो दो घूम रहे हैं, देखो वहां पर भी एक है। या देखो नाइट विंग से पंगा लेने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है, टैंजी। हाय टैंजी, इधर आ तेरी टैंजी की, ले। ओ भाई डेंजर है, ले मैं तो मजाक में ले रहा था, मार 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 मार, ओ अटैक अच्छा कर रहा तू बेटे, ले 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 मार इसको, बढ़िया चल 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 बस वापस आ तू, इसे कैप्चर करते हैं, आजा। कौन मारा, ओबे आया नहीं है, इधर आइयो, बांध दे रहा है भाई ये मुझे, आजा। आ गया आ गया आ गया, ओपे भाई मेरी पॉकेबॉल वेस्ट करवा रहा है, बस तू इधर आखिरी खा और इस बार आ जा भाई, इसने मेरी तीन पॉकेबॉल वेस्ट, चार पॉकेबॉल वेस्ट करा दी, मरी गया भाई वो, कैप्चर नहीं हुआ मर गया और ऑलमोस्ट मुझे भी मारता गया है। हील कराओ भाई, कितना घटिया पॉकेमॉन था भाई, कितना ही घटिया था, मेरी पूरी हेल्थ खा गया और कैप्चर भी नहीं हुआ। बट ठीक है यार, जो भी है मजा बहुत आ रहा है मुझे एक्सप्लोर करने में, मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ, फाइट करता जा रहा हूँ। लेकिन यार मुझे सच में चाहिए था ये पोकेमोन, मुझे अच्छा लग रहा था इसका अटैक करने का तरीका। फर्स्ट अटैक में ही उसके मैंने बोल दिया था कि भाई ये पोकेमोन अच्छा अटैक कर रहा है, मेरा तो भाई दिल आ गया था उस पर, उसने दिल तोड़ दिया भाई। एक मिनट, सामने कोई तो अजीब सा रास्ता यार, क्या मुझे उधर जाना चाहिए। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफी सारे लिफ्ट मंक, और आगे देखो कैपेबिलिटी भी है। यार एक मिनट रुको, मैं ना पहले इस वाले रास्ते पे जाके देखता हूँ कि आखिरकार ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ओके मैं कहीं पर तो माउंटेन पे बस बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये रास्ता किधर का है। मेरे सारे के सारे पोकेमोन फुल एचपी में हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम पर किसी ना किसी एक से फाइट कर लूँ क्या। मतलब मुझे इस टाइम वो गट्स फील हो रहे हैं किसी तगड़े किसी बड़े पोकेमोन से लड़ने के लिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे तीन पोकेमोन भी तो रहेंगे। ये भी है, अबे ठंडा कर देता है तू, इधर आ एक बार नीचे चलता हूँ भाई। मुझे सामने दो अलग पोकेमोन दिखे हैं, छोटू एलिफेंट टाइप, इसको मारो, मार इसको मार। अबे वहाँ कहाँ जा रहा है, किससे लड़ रहा है भाई तू, इसको मारना है, इधर आ मार इसको टीफेंट। अबे क्या पागल है क्या भाई, पागल तो नहीं है, जमा दिया, आजा वापस आजा। चले उसका टाइम पास ही करना था, उसे मारना नहीं है। अबे एक मिनट, उसके पार्टनर को पता चल गया कि हमारी लड़ाई हुई है उससे। ओए जाहदा चौड़ा नहीं होना बेटा, भेज दूंगा अभी दोबारा, आइयो मार अटैक कर। ओबे तेरी की, मार इसको मार इसको, बढ़िया जमा दिया ना। अब बोल फालतू, इधर आ, बोल 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 बोल, जिंदा क्यों मार रहा है बे, पूरा मार रहा है यार ये भाई। मैं पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ, बट ये जो जगह है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कासल है, वो भी टूटा हुआ, इसके अंदर कोई तो होगा भाई खतरनाक। ओए ये दोनों यहीं पर हैं यार, देखो अगर ये दोनों में से ये अकेला होता ना मैं पक्का इससे फाइट लेता पक्का, बट ये दो दो हैं यार, इनसे लड़ाई करी ना ये दोनों मुझे मारेंगे। क्या करूँ यार, लड़ाई करूँ क्या इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पावरफुल पोकेमोन हैं। देखो 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 कैसे खुशी खुशी भाग रहे, भेज दूँ क्या कोई, जा मार इन्हें, जमा दे एक को, बढ़िया भाई डैमेज तो बिल्कुल नहीं जा रहा, उल्टा उनका ज़्यादा तगड़ा डैमेज है, बढ़िया कर रहा है कर रहा है, कर दिखा कर दिखा। हाँ मुझे क्यों मार रहे हो बे, मैं मर जाऊँगा वापस वापस मत आ, वापस मत आ, तू लड़ाई कहीं करना, मर गया यार। क्या यार मैं अब कहाँ रिस्पॉन होऊंगा, मेरी फाइट हुई है यहाँ पे, मुझे अपने बेस पे रिस्पॉन होकर जाना पड़ेगा। ओ भाई नहीं 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 नहीं, मुझे रात होने से पहले अपने पोकेमोन को वापस लेकर आना ही होगा, तो जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं यहाँ से, हट जाओ सबके सब, मेरे सारे पैल मेरा सारा सामान वहीं पर गिर गया होगा जहाँ पर मैं मरा था, तो मुझे फटाक से वहीं जाना है। और वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, बट हाँ थोड़ी तो थी यार। यार नहीं यार, मुझे स्टार्टिंग में ना बड़े पोकेमोन से फाइट नहीं लेनी, स्पेशली जब वो दो दो घूम रहे हो तो। वैसे ऐसी बात नहीं है यार, मैंने अच्छी फाइट ली, आई मीन मेरे पोकेमोन बहुत सही तरीके से फाइट ले रहे थे, मेरी हेल्थ ऑलरेडी कम थी इसलिए मैं मर गया और फाइट खत्म हो गई। बाकी ये देखो भाई, ये दोनों नाइट विंग उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गए हैं। इस गेम में ना हमेशा दो पोकेमोन एक साथ घूम रहे होते हैं, ताकि एक की फाइट हो तो दूसरा हमेशा साथ दे उसका। पता नहीं यहाँ पर कुछ तो मिला है। ऑल डन गाइस, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, बट अभी मुझे आधा रास्ता और जाना है। यार सामने जो बड़ा सा टावर है ना, मैंने इधर जाके तो देखा ही नहीं कि आखिर वहाँ पर है क्या। वैसे गाइस मेरी ना बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी मेरा सामान गिरा था प्लीज मुझे सारा का सारा वापस मिल जाए यार, बहुत बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे करे थे मैंने पोकेमोन। ओके सामने वो जो ब्लू कलर की लाइट जली है, शायद से वही मेरी लास्ट डेथ वाली लोकेशन है।
जहाँ पे मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। भाई क्या ही बुरी तरह मारा था यार इन लोगों ने मुझे, सच में यार बेइज्जती फील हुई है। चलो सारा सामान मुझे मिल चुका है जो जो मेरा गिरा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस अपनी बेस की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि यार मेरा टास्क ना एक कोई तगड़ा बड़ा पोकेमोन पकड़ने का था जो कि मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ। पर अभी ना मेरी हेल्थ फुल है, हंगर बार कम था वो भी फुल कर लेता हूँ, मेरे सारे के सारे पोकेमोन की भी हेल्थ फुल है, तो मैं इस टाइम पर एक ना एक तगड़ी फाइट करके उस फाइट को जीत सकता हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई मैं कर लूंगा, पर ये मैं फाइट करने वाला हूँ किसी तगड़े पोकेमोन के साथ। भाई यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन गिरे पड़े हैं, सॉरी पोकेमोन नहीं, पोकेमोन के ये पाल्स फेयर जिसमें इन्हें मैं पकड़ सकता हूँ। बट सही बताऊँ तो कोई भी मुझे ढंग का पोकेमोन यहाँ नजर नहीं आ रहा यार। भाई एक मिनट, ये पानी के ऊपर क्या उड़ रहा है, ये कौन से पोकेमोन है भाई? इसका नाम है कैलरे, पता नहीं कैसे होंगे। उनको छोड़ो, सामने मुझे पिंक कलर का कोई तो पोकेमोन दिखा है और वो अकेला। यार इनसे तो फाइट हुई थी मेरी, ये दो दो है, वहां पर भी दो दो थे, यहाँ पर भी दो दो है, इनसे फाइट करने का फायदा नहीं है, ये मेरे को बहुत पीटेंगे। ओ एक मिनट, अभी मुझे कोई ढंग का पोकेमोन दिखा जिससे मैं एक्चुअल में फाइट करके इन्हें इनसे जीत सकता हूँ। मैं न्यू आइलैंड पे आ चुका हूँ और ये है मार्श आइलैंड, और ये एक न्यू पोकेमोन है जो कि रूबी। रूबी से फाइट करने के लिए मैं इसको अगर भेजू बर्फ वाले को, मार इसको रूबी को, बढ़िया सही डैमेज जा रहा है, बढ़िया। मैं इसे हेल्प करता हूँ तेरे पीछे से, बढ़िया, बहुत सही, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे, वेरी गुड। मार देगा तू रूबी को, अबे सारी तो पत्थर में भिड़ गए। वापस आ, मर गई वो, मार ही दिया भाई पूरा। दूसरा है अपने पास, अभी दो है तो दो से मैं फाइट करा सकता हूँ, बट ठीक है, अपना पैंगुलेट अच्छा पोकेमोन है भाई, वो अकेले सही लड़ लेता है। थोड़ी सी सर्दी होने लग गई है भाई फिलहाल, मैं इसको मारना चालू करता हूँ पीछे से। ओ भाई ये काफ़ी दोनों साइड से फाइट कर रही है। अब तू मार, अब मैं जल गया, अबे उसको मार, बस एक बार और अटैक कर, बस वापस आ जा। अब बारी ऐसे कैप्चर करने की, आ जा, 100% कैप्चर रेट भाई। रूबी को हमने ईजिली पकड़ लिया, लेट्स गो। थोड़ी मशाल बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि रात हो गई और सर्दी लगने लग गई है मुझे। खैर ठीक है, आज का दिन बढ़िया था, हमने एक नया और एक बढ़िया पोकेमोन हमने कैप्चर कर लिया, वरना फुली अनसक्सेसफुल डे मानता भाई मैं तो। आज थोड़ी देर में रात होने वाली है, शायद से मुझे अपने बेस पे वापस लौट जाना चाहिए। बट कैसा हो कि अगर मैं आज मैं रात भर बाहर ही घूमूं, यहाँ पर वैसे एक वो है, फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो गया तो मैं वैसे भी, ओए जा 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 जा, आ मार इसको भाई, यहाँ पर कोई लोमड़ी सी स्पॉन हो गई है और मेरा वो मरने वाला है भाई। रुको, मैं भेजूंगा इसको, जा फॉक्स उड़ा दे इसको। दोनों डोगी हैं तो डेंजर, पर अभी इन्हें बताता हूँ मैं। ओ मैं मर गया, तू जा, मैं मर जाऊंगा। अबे जा, अच्छा ये मर गई ऑलरेडी। ओ फास्ट ट्रैवल कर लेना चाहिए मुझे, वो जब तक दोनों उससे भिड़ रहे हैं मुझे फास्ट ट्रैवल करके यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भाग कहीं भी भाग। अरे कैसे होगा ये, रहेरा, यस, भाग गया भाई, मेरे पोकेमोन निपट गए, मुझे अच्छे से मालूम है, बट मैंने भाग के काफी सही करा, एटलीस्ट मैं जिंदा कर पहुंचा हूँ। ये मेरा बेस है, मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, लेट्स गो। काफी ठंड हो रही है, मशाल बाहर निकाल लेता भाई। देखो पोकेमोन मर जाए चलेगा, हम मरते हैं वो दिक्कत है भाई। ओके सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, मेरे जो जो पोकेमोन मरे हैं मैं उन्हें यहाँ पे रखता हूँ। मेरी फॉक्स मर गई थी, मेरी रूबी जो नई पोकेमोन है भी मर गई थी, दोनों को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, दोनों एकदम हील होना चालू हो गए और थोड़ी देर में शायद से ठीक हो जाएंगे। बाकी यार मुझे ना अपना बेस बनाना है ताकि मैं बेड लगा के इन लोग को सुलाने उलाने का ठिकाना बना पाऊँ, और लेवल 7 तक जब बेस बनेगा उसके बाद ही हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चालू होगा। बाकी सामने कोई दो अलग पोकेमोन है, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। वैसे काफी ढीले से पोकेमोन है, मैं उनसे जाके लड़ सकता हूँ, अगर मुझे नहीं भी लड़ना तो मैं इनको भेज देता हूँ ना। जा भाई, अपना नीला बर्फीला तो सही मारता है भाई, ऐसी बात नहीं, जमा के मारता है, अटैक कर बॉय, क्या डेंजरस बंदा है यार ये, डॉज भी कर रहा है भाई ये देखो, अच्छा लगा भाई मुझे पोकेमोन छोटू सा है, डॉज वॉज करके पड़ गई, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी भाई। क्या हो रहा है ये, मुझे उसे वापस बुलाकर दूसरा पोकेमोन भेजना चाहिए। अबे ये क्या भेज रहे हैं मेरे ऊपर, क्या मैं अपने ही बेस पे कूटने वाला हूँ क्या? वापस आके रवि तू जा, रुको एक मिनट, अबे मेरे दो पोकेमोन सो रहे हैं ना, उठ के लड़ाई करो बे, लड़ाई करो उठ के, बेस पे हमला हो गया, तुम दोनों सो रहे हो, बढ़िया। मेरे पास एक और लैम्बोल था, मैंने इसे सही करा उठा के, कैप्चर कर लिया भाई मैंने उसको, मैंने एक को तो कैप्चर ही कर लिया, दूसरे को भी कैप्चर कर लूँ क्या? अच्छा अबे मैं मर गया, बट ठीक है मैंने एक को कैप्चर कर लिया, और फाइट में वो भी जीत जाएंगे, हम लोग जीत जाएंगे। वैसे फाइट अपने बेस पे ही हुई थी ना, तो मैं अपने बेस पे स्पॉन हो जाता हूँ भाई, इधर तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, लेट्स गो। हम लोग लड़ाई में जीत चुके हैं, टेंशन वाली बात नहीं, जितने मेरे पोकेमोन मारे गए हैं सबको मैं जिंदा करूंगा। अभी कोई भी नहीं मारा गया, उल्टा ये जो नया वाला पोकेमोन है ये मेरे पास और आ गया भाई, ये देखो ये रहा, ये अपने पास ही आ चुका है अब, और ये रात में काम करता है,
काम करता भी है ये? अगर मैं इसको हटा के इसमें डाल दूं, मेजर इंजरी भाई, इसको चोट वोट लगी हुई है यार। भाई ये ऐसा पोकेमोन है जो रात में अपने बेस का ध्यान रखेगा। अबे सामने उल्लू उल्लू आ रहे हैं यार कोई, तो कौन हो भाई तुम? मार खाने का ज्यादा मन हो तो बता देना, तुड़ाई कर दूंगा गंदी वाली। एक मिनट रुको यार, अपने दो पोकेमोन रेडी हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, रूबी एंड अपना ये फॉक्स पार्क। ये छोटू छोटू से हैं पर लड़ जाते हैं भाई बड़े बड़े से भी। बाकी अपना ये मरा था ना, हाँ इसको जिंदा करना है यार, अपने पास दो हैं। ये मुझे बर्फ वाला पोकेमोन बड़ा सही लगा यार। गाइस देखते देखते अपनी पोकेमोन की सेना काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो गाइस इसी के साथ अपना अगला दिन हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अगले दिन की शुरुआत इस उल्लू को मार के कर दी जाए। तगड़ा दिख रहा है भाई, हू क्रेट्स मारे गए इसको। बताओ सारे बंदे अपने यहीं पर है, देखो अपने पास अपना ये पेंगुइन है और अपने पास ये है। तो चलो गाइस अटैक कर दिया जाए, करो बेस पे। रुक जा मुझे कुछ भेजना पड़ेगा, जा किटा बीमार से, ये अकेले लड़ेगी, सब इसकी हेल्प करेंगे। करो बे, अबे मर जाएगी वो। आ गए बस, सबने देख लिया, आ गए। अब पिटाए भाई, ये मैं भी मारूंगा तेरी, ऐसे की तैसी जलाऊंगा तेरे को मैं। बस कैप्चर कर लूंगा मैं, आ जाओ इतना ही मार। अरे कैप्चर नहीं हुआ, मारे से बस अब कर लूंगा। आ गया आई होप आ जाए। चलो 100% कैप्चर डन भाई। एक और पोकेमोन, ओ भाई इसका दोस्त है, इसको मारो, इसको तो जिंदा मारो, ज्यादा फैलेगा भाई। इधर भाई बेस में लाकर मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। अभी मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर किसी में डेंजर पोकेमोन को मारना चाहूँ तो मैं उसे अपने बेस के पास ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पूरा ग्रुप है। ये लोग मिलके तो एक ना एक को मार ही डालेंगे भाई, तो बेस में रहने का ये फायदा है। यानी अगर मुझे अभी वो चिड़िया या फिर वो नीचे वाला अपना कौन सा था, लोमड़ी जैसा, किसी को भी पकड़ना है तो उसे अपने अड्डे पे लाना है। ये अड्डे पे भाई ढंग से लड़ाई होगी और हम सबको पीटेंगे। इसको भी जिंदा लपेट दिया। पर ये है कि मेरा बेस अपग्रेड होगा ना, तो मैं एक बार में, अभी जैसे दो पोकेमोन मेरे ग्राउंड पे है, तीसरा मैं भेज सकता हूँ। तब क्या होगा, मेरे तीन पोकेमोन ग्राउंड पे होंगे, चौथा भेज पाऊंगा। बट उसके लिए मुझे बेड लगाना है, तब बेस अपग्रेड होगा और बेड बनाने के लिए मुझे घर बनाना पड़ेगा। ओहो भाई मजा आना चालू हो गया। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बड़े पोकेमोन को ढूंढ के लाएगा, मुझे उससे पंगा लेकर उसे भगाते हुए यहाँ तक लाना होगा, तब बात बनेगी। यार अभी ना हमारा प्लेयर जो है बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि अपने पास बहुत सारा सामान हो चुका है, तो मुझे थोड़ा सामान पहले ना अपने बैग से निकाल के कहीं पर रखना चाहिए। ये है अपनी चेस्ट, जो कि शायद से इन लोगों ने अभी तो नहीं भरी, पता नहीं बहुत स्लो काम कर रहे हैं यार आजकल। तो ये सब एग वगैरह ये मैं निकाल देता हूँ, गोल्ड वगैरह भी निकाल देते हैं, बाद में काम आएंगे। आइस ऑर्गन, पता नहीं ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं तो काम आने हैं मुझे मालूम है। फ्लेम ऑर्गन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मुझे मिली है जो कि पता नहीं कैसे काम आएगी। बट हाँ रात में ना मुझे ठंड लगती है मेरे करेक्टर को, तो उसके लिए मुझे शायद कपड़े बना लेने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में जाकर मैंने अपनी ये ड्रेस अनलॉक करनी है सबसे पहले, और ये क्लॉथ अनलॉक करना है क्योंकि इससे ही बनेंगे। अब मुझे यहाँ पर क्राफ्ट करना है क्लॉथ। चलो ओ भाई ये देखो, इसमें मेरी एक और जन मदद कर रहा है क्या, ये देखो। पहले कोई मैं चीज़ क्राफ्ट करता था वो थोड़ी स्लो होती थी, बट अभी ये पोकेमोन आके मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि चीज़ें फास्ट होती जाए। तो अभी कपड़ा मुझे बनाना है, ये स्टार्ट प्रोडक्शन, लेट्स गो। अब जैसे ये मदद कर रहा है भाई, देखो कितनी फास्ट हो रहा है सारा काम। भाई ये ब्लू पोकेमोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पेंगुलेट भाई मस्त हेल्प करता है यार बंदा। चलो ड्रेस हमें मिल चुकी है और अभी अपना प्लेयर क्या बढ़िया हो चुका भाई। एक मिनट यहाँ पर देखो क्या खतरनाक लुक आ रही है यार इसकी। वैसे यार मुझे ना अपना बेस एक ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर मैं फास्ट ट्रैवल कर सकूँ। वैसे यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं फास्ट ट्रैवल। तो लास्ट टाइम मैं ये जो डॉग ने मुझे मारा था वो यहाँ पे मारा था। तो एक मिनट, क्या मेरे दोनों ठीक हो गए हैं वो? हाँ ये दोनों ठीक हो गए, इनको लेके चलते हैं। पेंगुलेट एक ठीक हो रहा है तो एक को ले चलता हूँ, दूसरे को यहाँ पर रखवा देते हैं, जैसे ठीक होगा वो आ जाएगा। अबे वो तो हमारा वो आया है, पहले से ठीक होने देते हैं। चलो मेरी नई पोकेमोन सेना अभी काफ़ी मस्त रेडी हो चुकी है। आई थिंक किसी को खाना खाने की ज़रूरत है, इसको खिला देते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके उस जगह पे जहाँ पे लास्ट टाइम मुझे उन डॉग्स ने मारा था। अगर अभी मुझे वो दिख गया ना, इनको मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर रूबीज तो हैं नए वाले, बट मुझे वो डॉग चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डॉग जो है ना, शायद से वो रात के टाइम पर स्पॉन होते हैं। हाँ यार दिन के टाइम पर नहीं होते, वो रात के टाइम पर आते हैं। किस्मत अच्छी थी उनकी, वरना इस बार मैं काफी अच्छा खासा माल पानी लेकर आया था उनकी तुड़ाई करने के लिए। ओ भाई सामने तो डियर है, बट मुझे नहीं लगता मुझे इनसे पंगा लेना चाहिए, ये बहुत गंदी तरह मारेंगे। हाँ मुझे नहीं लेना पंगा। मुझे रियलाइज हो गया भाई अभी 3-4 फाइट करके ना, कि अभी मेरे पोकेमोन्स का लेवल कम है, और जो तगड़े पोकेमोन है उनकी तो बेचारों की भी हेल्थ भी कम चल रही है यार। मुझे लगता नहीं आगे जाने का फायदा है, कुछ भी यूनिक तो नहीं दिख रहा यार। देखो एक ऑप्शन तो है कि मैं इन बड़े वाले पोकेमोन से फाइट ले लूँ, क्या पता मैं एक को मार डालूँ। मेरे पास यार पेंगुलेट पिट जाएगा यार, ह्यूक्रेट्स है यार। देखो अगर अभी ये मेरे बेस पे होते ना तो इनकी कुटाई पक्की दे। यहाँ पर ये तीन चार हैं यार, बेवकूफ़ी होगी इनसे लड़ना। खाना पीना खा के मैंने अपने आप को तो फुल कर लिया, ताकि हेल्थ मेरी पूरी रहनी चाहिए यार। हर फाइट के बाद हेल्थ की वजह से मैं मर रहा हूँ।
भाई ये पता नहीं कौन सी जगह, यहाँ पर तो अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रखी है। ओ भाई एक मिनट, सामने वो उड़ने वाला, पता नहीं यार मुझे उससे पंगे लेने चाहिए या नहीं, बट मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या मार पाओगे तुम उसको? तो आज हो जाए फिर, जा दिखा दे दम अपना। अबे रुक जा, इसको नहीं मारना। अबे ये तो ऐसी है, लपेट इसे। अब खाली पीली लड़ाई कर ली इससे, थक पंगे लेता है तू। इसको पूरा मार दो, नहीं चाहिए, बढ़िया। खाली पीली लड़ रहा, उसको मार उसको। हाँ दिख गया ना, दिख गया तेरे को, दिख गया, एक्टिंग नहीं, मार उसको। अबे मार उसको, ये इसको मारना है। अबे पानी में चला गया था क्या? आ जा, डर रहा है, डर रहा है भाई, डर रहा है। रुक जाओ, इसको मार, इसको मार। तेरी रेंज नहीं है वहाँ तक, तू मारेगा? गैस देखो मुझे लगता नहीं है उससे कोई भी लड़ने वाले भाई, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है। मार दे, दिख गया, हो गई हो गई हो गई, बहुत सही बहुत सही। लड़ते रहे लड़ते रहे, मार देगा भाई तू, मार दे। अबे भैंस की आँख, तू जा मार इसे, मारो मारो, तुम कर सकते हो, मैं भी मदद करूँगा, आखिर मेरे पोकेमोन है भाई। अरे वापस आ, मर गया भाई वो तो, तू जा। अबे कहाँ जा रहा है तो, भागता ही रह जाएगा। वापस आ जा, तू वापस ही आ जा भाई, तू जा। रूबी मार, रूबी इसको भाई, मार मार मार, बहुत सही, ऐसी करना है हमें, बढ़िया। मैं इसका ध्यान भटका रहा हूँ, तू मार। आजा आजा मुझे मार, मुझे मार, आजा आजा। ओए इधर मुझे मार, उसको कहाँ मार रहा है? रूबी को वापस लेना। ओए मर गई यार मैं, सिंगल हिट मार गया। इसको मारने की ट्रिक पता है क्या है? सारा ध्यान इसका अपने ऊपर भटका के रखो, खुद मत फाइट करो, पोकेमॉन्स को फाइट करने दो। बड़ा मजा आया, आऊंगा मैं दोबारा। अभी फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ पे मरा हूँ, यहाँ टेलीपोर्ट होता हूँ। मेरे को सारा सामान उठाना है, वो जो ब्लू लाइट जली है वहाँ पे जाना है। बहुत ही तगड़ी फाइट थी, काफी कुछ सीखने मिला इस फाइट के बाद। वो बहुत खतरनाक हो के मोने गाइस, अगर हमने उसको पकड़ लिया ना एक बारी, ये सबको तुम लोग यूं मारेंगे यूं, उसको पकड़ना ही एक अलग ग्राइंड है। बट मुझे लगता है मैं पकड़ सकता हूँ यार, इस बार भी हमने उसे अच्छी फाइट दी। थोड़ी बहुत गलती ये हुई कि मैं अपने पोकेमोन को ना सही टाइम पे वापस नहीं बुला रहा था, मुझे फेंकना है और तुरंत वापस बुलाना है भाई। वो तो मार पीट के भाग गया भाई सबको। चलो सारा सामान वापस आ गया, अभी जो जो पोकेमोन मरे थे मुझे उन्हें एक बार लेकर जाना है। मेरी फॉक्स जिंदा है, मेरा पेंगुलेट जिंदा है, मेरा जो मरा है वो ये उल्लू मरा है, और एक ये रूबी मरी है। यार वो जो डॉग वाले थे ना, मैं उनका वेट करूँ क्या? रात में वो लोग स्पॉन होते हैं, इसी जगह पर होते हैं, तो इस टाइम मैंने इससे इतनी अच्छी फाइट ली थी तो शायद मैं उस डॉग से भी ले पाऊंगा। गाइस मान लो अगर अपना बेस यहीं पर होता और उस टाइम पर हम लोग उस चील से, क्या नाम था उसका, नाइट जो भी है, उड़ने वाला जो बर्ड वाला है, मतलब अपने पांच पांच पोकेमोन उस पर एक ही टाइम पर अटैक कर रहे होते और वो भी कंफ्यूज रहता उसे कब किसको मारना है। ये क्या भाई, ये कोई तो अलग जगह भाई, मुझे मैं अभी नहीं जाने वाला यहाँ पे, बट मुझे ये जगह याद है, यहाँ पर हम लोग आएंगे। अभी कल को कोई अंदर जाके फाइट वाइट हुई ना तो कोई फायदा नहीं। और ये क्या भाई, ये कौन लोग हैं? ये तो गन वन लेके खड़े हैं भाई। हेलो क्या बात हो गई सर, भेजू क्या अभी बंदा अपना? मारियो इसको जरा, ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। गोली चलाएगा, गोली चलाएगा। वापिस आ, वापिस आ, इसे पोकेबॉल में ले सकता हूँ क्या मैं? कैप्चरिंग रेट बहुत कम है, रुक जा अभी इसका कैप्चर अब बढ़ेगा। बढ़, अरे मर गया ये तो, अरे मर ही गया। एक और है यहाँ पे, मर मार्श आइलैंड, अगर मैं इसे पकड़ना चाहूँ यार, इसका कैप्चरिंग रेट ऑलरेडी ना बहुत कम है तो ये आ नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। ओबे भाई हटे यहाँ से भाई। चलो ठीक है, मैं अभी ना अच्छा खासा जिंदा बच गया हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपने सभी पोकेमोन को एक बार सेफली मैं पहुँचा दूँ उनके बेस तक, ताकि जो जो लोग मरे हैं भाई उनकी हीलिंग चालू हो जाए, और मैं दोबारा से सबका लेवल बढ़ा के इसी जगह पर फाइट करने आऊँगा उस चील से। और गारंटी है भाई, मार के जाऊँगा मैं उसको, मार के ही जाऊँगा भाई, लेट्स गो। तो बेस पे वापस आ चुके हैं, अपने पोकेमोन्स को रूबी मरी थी और ये हुक्रेट्स मरा था, दोनों को हीलिंग पर डाल दिया मैंने। पेंगुलेट को इधर रख देता हूँ, ये काम वाम सही करता है। बाकी ठीक है, मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे अपना एक बेस बनाना है ताकि लेवल अप होए। हम लोग अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, मैं शायद से इस बेस का लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। मैं अपना बेस ऐसी जगह पे बनाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स आते हों, ताकि मैं उनसे फाइट कर सकूँ। फिलहाल अभी अपना बेस बहुत छोटा है, अपने पास बहुत छोटे छोटे कम पावर वाले पोकेमोन हैं, बट धीरे धीरे हमारी आर्मी बहुत बढ़ती जाएगी, सारे पोकेमोन आएंगे, बड़े से बड़े, तगड़े से तगड़े, सबको पकड़ कर लाने वाले हैं। वो सब देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड में। तो जाके फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो पे नया 6 लाख लाइक यार गोल है, प्यारा सा गोल है, बस कंप्लीट कर दो यार, तुम मजा आ जाएगा, बस लाइक का बटन
बटन दबाना है, तो जाओ बटन दबा दो। बाकी अगर तुम लोग को मालूम है कि कौन कौन से पोकेमोन्स आई मीन पैल्स इस गेम में बढ़िया होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि मुझे जल्दी से पकड़ लेने चाहिए, उनके नाम बता देना और कहां पे मिलते हैं वो भी बताना। और जो भी तुम्हें टिप्स पता है सारा ज्ञान नीचे कमेंट्स में दे डालो, मैं भर के कमेंट रीड करूंगा इस बारी। और हाँ यार, चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट से जाके दबा दो उसको, क्योंकि हम लोग यार 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो देरी नहीं हिट कर दो। बाकी आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।